आप उम्मीदें खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी बना रहे हैं वो है दम मटन। अच्छा, इसके लिए हमने आधा किलो मटन ले लिया था और इसके अंदर जो है हमने 2 अदद टमाटर, 2 प्याज, काली मिर्चें, लौंगें, दालचीनी का 1 टुकड़ा। अच्छा, काली मिर्च और लौंगें हमने 4 से 5 अदद ली थी। काली मिर्चें, लौंगें, दालचीनी का टुकड़ा, टमाटर, प्याज, गोश्त, ठीक है, और साथ में ही आधा कप तेल डाल के हमने इसे गलने के लिए रख दिया। गलने के लिए हमने पानी डाल दिया और साथ ही हमने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। अब ये अच्छी तरीके से जो है गल चुका है, भुनने पर आ गया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम दही डालेंगे। पाँच मिनट हम इसे भून लेंगे। तेज आंच पे हम इसे भून रहे हैं। साथ ही हम 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। तो 4 से 5 अदद जो है हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, उसको काट लिया है, और ये अदरक है, इसे भी हमने जूलियन कट काट लिया है। अच्छा, 1 चम्मच कुटी मिर्च है और 1 चम्मच जो है काली मिर्चें हैं कुटी हुई, दोनों हमने 1-1 चम्मच ही ली है। कुटी मिर्च हम डाल चुके हैं। अब इसके बाद हम जो है हरी मिर्ची और अदरक डाल देंगे। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप ये ज़रूर हमारी रेसिपी बनाइएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अब हम इसमें काली मिर्ची ऐड कर देंगे। बस 5 मिनट के लिए आप इसमें दम दीजिए और ये तैयार है। ऊपर से हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू डाल के खाएंगे। वीबर्स, मज़ेदार सा दम मटन तैयार है। आप हमारी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।